खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां छठे चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां छठे चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई। एटीएल ग्राउंड से 39 लोकसभा क्षेत्र में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। डीएम संजीव रंजन ने पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में कुल 1230 मतदान केंद्र है व 1902 मतदेय स्थल है। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी 1902 मतदेय स्थल के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। गर्मी को देखते हुए टेंट की व्यवस्था की गई। संवेदनशील बूथों पर भी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान होना है। आज यहाँ एटीएल ग्राउंड से 1902 पार्टी रिजर्व सहित आज रवाना हो रही हैं, जो कल जाकर अपने अपने पोलिंग बूथों पर जाकर शांतिपूर्ण मतदान कराएंगे। और मतदान के लिए वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई है। सभी मतदान केंद्रों पे जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी होती है, सभी जगह रैंप है, सभी जगह सीट की व्यवस्था कराई गई है, ठंडे पानी की व्यवस्था कराई गई है, शौचालय इत्यादि सभी जगह प्रॉपर व्यवस्था है। तो सारी चीज़ें जो है वहाँ पर लोगों को वोट देने में सहूलियत होगी, वहाँ ऐसी व्यवस्था कराई गई है। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम कराए गए हैं। हमारे सभी पूरे क्षेत्र को सेक्टर और सेक्टर में बांटा गया है। सेक्टर के ऊपर जोनल मजिस्ट्रेट एवं सुपर जोनल मजिस्ट्रेट है। इसके अलावा और भी वरिष्ठ अधिकारी सभी जो है वो अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर शांतिपूर्ण मतदान कराएंगे। हर एक विधानसभा में एक पिंक बूथ बनाया गया है तथा हर एक विधानसभा में 5-5 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। पिंक बूथ पे आपकी विशेषता यह है कि वहाँ के सभी मतदान कर्मी जो हैं वो महिलाएं होंगी, और ये इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो खुद से स्वयं से सारा काम कर सकती हैं। सर, ये सेल्फी पॉइंट के लिए भी कुछ देखा जा रहा है? सेल्फी पॉइंट आज भी कुछ सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे, इसको लेकर कि जो हमारे पोलिंग कर्मी हैं उसके अंदर उत्साह हो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए वो जा रहे हैं। इस कारण वो सेल्फी पॉइंट बनाया गया था कि हमें मतदान कराने को लेकर गर्व है। और कुछ जगह मॉडल बूथ इत्यादि पर भी सेल्फी पॉइंट इस तरह का रहेगा। ये सब चीज़ें जो हैं वो लोगों के अंदर एक उत्साह पैदा करती है, और एक जो मतदान देश का सबसे बड़ा पर्व है वो उसको लेकर एक अच्छा माहौल बनाती है।